नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कोल्हापुर से एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है। वो घर बनाना चाहते हैं, तो वो प्लान भेज के उन्होंने बोला कि चेक करिए कि ये प्लान सही है कि नहीं है। पूर्व मुखी घर है और दक्षिण मुखी है, दो तरफ रोड है, रोड इधर दक्षिण में भी है और पूर्व में भी रोड है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। एक इन्होंने रास्ता रखा कार के लिए, तो रखा दक्षिण अग्ने में, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और न्यू एंट्री रखी इन्होंने पूर्व दिशा की, ये भी सही है, तो कोई बिल्कुल प्रॉपर है, कोई से दोनों एंट्रियाँ प्रॉपर हैं। एक ये इन्होंने मकान बनाया है और ये ऐसा है, और ये ये ओपन, हाँ ये ओपन है, ठीक। ये इन्होंने रखा है कि यहाँ पर वाटर फाउंटेन रखा है, यहाँ पर ये वाटर टैंक, और ये टू व्हीलर पार्किंग है, ये कवर्ड है, तो अच्छी बात है। यहाँ वाटर टैंक बिल्कुल सही जगह बना है, यदि यहाँ वाटर टैंक होने पर इनके घर में पैसे की आवक बनी रहेगी, ये तय बात। इधर आइए, ये एंट्री ठीक है, थोड़ा ये एंट्री इस तरफ कर देते ज़्यादा अच्छा था, बजाय इसके थोड़ा इधर कर देते। ये यहाँ पर इन्होंने फाउंटेन रखा है, और ये है ना गार्डन, मतलब तो यहाँ पर क्या होता है, फाउंटेन बनता है तो जनरली क्या होता है कि हमें ऊंचाई देनी पड़ती है। अब घर यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्चुअली देखिए ये है ओपन, पर घर की स्टार्ट यहाँ से है, तो यहाँ पर फाउंटेन जैसे वो जो ऊंच बनाते हैं फिर फाउंटेन बनता है तो एक वजन आ जाता है, तो यहाँ फाउंटेन अवॉइड करते ज़्यादा अच्छा था, यहाँ नहीं बनाना चाहिए। इस जगह को जमीन के लेवल के बराबर रखना चाहिए। ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है आपका, तो ये गलत है। ये डबल हाइट है और ये लिविंग एरिया, ठीक। ये किचन है, अब किचन में ये कि किचन पूर्व में भी आ रहा है, ओपन भी है, और स्टोर भी इसके अंदर ही है, भले अलग से स्टोर शोर, ये ओपन किचन है पर किचन के पार्ट हो गया स्टोर। अब देखिए किचन जो है यहाँ तीन खराबियाँ कर रहा है, इसमें तीन दोष है इस किचन में। पहला पूर्व दिशा में होने का, अग्नि कोण तो ये रहा, पूर्व दिशा में होने का हो गया, और ऐसी स्थिति में जो यूटिलिटी बनती है तो नॉर्मली यूटिलिटी ऐसे थोड़ी नीची हो जाती घर से, जिस तरीके से शो किया गया ये थोड़ी से नीचे दिख रही है, ठीक है ना। तो अग्नि कोण नीचा भी हो रहा है, तो एक अग्नि कोण नीचा होगा तो थोड़ी विवाद और कलह की स्थिति बनती है। दूसरा पूर्व में किचन आ गया, अब पूर्व में किचन रहेगा तो घर की मालकिन के पास सब कुछ होते हुए वो नाखुश रहेगी, उसे यूट्रस से रिलेटेड समस्या होगी, उसे ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड समस्या होगी, डिप्रेशन में आ जाएगी। एक ओपन किचन, ओपन किचन होने पर क्या होगा कि घर के मुखिया के दोस्तों की संख्या कम हो जाएगी धीरे धीरे, इस घर में आने के बाद रिश्तेदारों से कुछ संबंध बिगड़ने लगेंगे। यदि कंसीव करने के एज में कोई घर में महिला है, कोई लड़की, तो उसको कंसीव करने में दिक्कत आएगी, और यदि ऑलरेडी बच्चे हैं तो बच्चों की तरक्की जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होगी। दूसरा दोष ही हो गया ओपन किचन का, पूर्व का दोष बता दिया। तीसरा किचन के अंदर स्टोर है, अब किचन के अंदर स्टोर है या किचन के अंदर खाने का सामान ज़्यादा रखा जाए या किचन के साथ जुड़ा हुआ स्टोर हो जाए, तो घर के लोग कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, और ऐसे हालात बनते हैं कि पैसा खत्म होता जाता है, मतलब पैसा बर्बाद होता है, मतलब एकदम स्थिति ऐसी बन जाती कई बार। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, स्टोर अलग से बनाना चाहिए। तो ये तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर। इधर आइए आप, ये इनने सेप्टिक टैंक बनाया, सेप्टिक टैंक बन गया दक्षिण में। अब दक्षिण दिशा में जो सेप्टिक टैंक बनेगा तो घर की महिलाओं को मानसिक शारीरिक बहुत ज़्यादा कष्ट रहेंगे, घर की आर्थिक स्थिति डगमगाती रहेगी और मतलब घर में अशांति रहेगी, ये बहुत गलत जगह बन रहा है। जीना ठीक है, जा सकते हैं, ये जीना है, और ये नीचे टॉयलेट बना, जीने के नीचे टॉयलेट बन सकता है। ये इन्हें ओपन रखा एरिया ठीक है, ये दरवाज़ा ठीक है, ये टॉयलेट ये बिल्कुल प्रॉपर है, ये सही तरीका है। ये अलमारी इनको चाहिए, ये अलमारी इधर लगा लें इस तरफ, वो ज़्यादा अच्छा होगा है ना, वजन इधर दे दें तो अच्छा लगेगा रहेगा। ये पलंग थोड़ा इधर कर लें, ये जो है ये यहाँ सेट हो जाएगा, ये पूरा पलंग इधर खिसक जाएगा। इधर आइए, ये डोर भी बिल्कुल सही है, इसका टॉयलेट बिल्कुल सही है, यानी कि पुरुषांग का दरवाज़ा, ये पुरुषांग दरवाज़ा, ये दक्षिण अग्नि का डोर, ये उत्तर ईशान का डोर टॉयलेट का, तो इसके समेत भी ये आयताकार है, इस कट से कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। और ये भी आयताकार है, टॉयलेट के साथ टॉयलेट के बिना दोनों बहुत प्रॉपर ही है। तो ये गड़बड़ बहुत ज़्यादा है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ गलत है, ठीक है ना। इसको देख लें, ये दरवाजे को देख लें, और यहाँ ध्यान रखें कि गाड़ी लाने के लिए रैंप बनाए
तो घर के बाहर से बनाए, घर के अंदर से नहीं बनाए। यदि यज्ञ नीचा हो गया तो उसकी अपनी समस्याएं, विवाद, कला, डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर इन्होंने बनाया, जितनी छत डाली है, ये ओपन टेरेस है, ये सब कट दिया है, ये कमरा हो गया, ये हॉल हो गया, और ये इसका ये दरवाजा इन्होंने गलत कर दिया। इसके कारण तो इनको चाहिए कि थोड़ा कट खत्म कर दें, ये दरवाजा डल ले आए, यहाँ से 2-3 फीट का स्लेब डालें ताकि ये यहाँ से चल के यहाँ सके, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इधर ले आए जैसे बताया मैंने आपको, तो ये दोनों ठीक हो जाएंगे। और इन्होंने ठीक है, नीचे तो इन्हें प्रॉपर चलेगा, इसको इन्हें यहाँ कर दिया, नहीं तो जैसे यहाँ करा वैसा कर सकते थे यहाँ, पर ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ दिक्कत क्या आ गई, इन्होंने ये दे दिया, ये ओपन रखा है, ये ओपन टेरेस से पूरे ऊपर का ईशान कोण कट गया घर का। क्यों? कि ये कट, ये कवर्ड हो गया, ये ओपन हो गया, तो घर का ईशान कोण कट गया। तो ये महत्वपूर्ण वास्तु दोष है, ये घर का पार्ट है। फर्स्ट फ्लोर का ईशान कोण कटना भी, तो जो ऊपर भी तो यूज करेंगे, जो लोग ऊपर रहेंगे उनके लिए समस्या है, इस घर पर दिक्कत आती है एक। और इसी के साथ ये करते करते यहाँ नृत्य कोण बढ़ रहा है, तो इनको थोड़ी फिर से प्लानिंग करना पड़ेगी। यानी वो अब होता क्या है कि सबकी एक रिक्वायरमेंट अलग होती है, उनकी रिक्वायरमेंट समझ के प्लानिंग को सजेशन दिया जा सकता है कि भाई एक चीज़ ठीक है तो दूसरी चीज़ बिगड़ जाती है, तो प्रॉपर तरीके से इसकी प्लानिंग कर लें। यदि वास्तु से करना है तो इनको प्लानिंग की ज़रूरत तो है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और जिनके लिए प्लान, जिनका प्लान है, उन्हें भी क्लियर हो गया होगा कि उनके मकान बनाने की जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें क्या गलतियाँ हो रही हैं, उसे दूर करवा लें। वो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया आपको। नमस्कार।